गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले टेंस और कल का हमने टेंस किया था उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। कल मैंने आपको तीन चीज़ें बताई थी, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है, और आपको एक ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया था कि इसको कैसे इजीली याद करना है, ठीक। और आपको मैंने बताया था कि जब भी हम प्रेजेंट टेंस में जो भी सेंटेंस बनाते हैं वो एकदम प्रेजेंट में होते हैं, प्रेजेंट का मतलब अभी, ओके। इससे कल मैंने आपको बताया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसके अंदर हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट हमारा कर्ता होता है, वर्ब हमारी वर्क होता है जो काम करते हैं, और ऑब्जेक्ट हमारा सारे जो इन दोनों को छोड़ के जो बचता है वो सब हमारा ऑब्जेक्ट होता है। मैं चलता हूँ, हूँ पे ध्यान करें, हूँ क्या हमारा प्रेजेंट है, ठीक है। तो आई वॉक, ठीक है, आई वॉक, मैं खाता हूँ, आई ईट, तुम खाते हो, यू ईट, ठीक है। इस चीज़ को हमें याद रखना है। और कल मैंने आपको जो सेंटेंस बताए थे उसके अंदर मैंने ही शीट वाले लिखवाए थे और उसके पीछे मैंने एस लगाया था वर्ब के पीछे, ठीक है। अब हम देखिए वर्ब के पीछे मैंने एस क्यों लगाया था, मैं आपको वो बताती हूँ और कहाँ पे क्या लगाना, ये भी। जब भी हम ही शी इट नेम या सिंगुलर पर्सन की बात करते हैं तो हम उसके बीच में क्या लगाते हैं, उनके बीच में हम लगाते हैं एस या ई एस, ठीक है, एस या ई एस लगाते हैं। जब भी किसी वर्ड के लास्ट में डबल एस एस एच सी एच एक्स डबल ओ आ जाए तो हम क्या लगाएंगे, ई एस, ठीक है, हमें क्या लगाना पड़ेगा, ई एस। और बाकी इन सबको छोड़ के जो भी वर्ब आएगी उसके पीछे हम लगाएंगे एस, ठीक है, एस एच सी एच एक्स डबल ओ एस डबल एस, इनके पीछे हम क्या लगाएंगे, जिस वर्ब के पीछे ये आ जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं बॉक्स, बॉक्स के पीछे एस आ गया तो हम बॉक्स के पीछे बॉक्स लगाएंगे, ठीक है, ऑक्स, ठीक है, डबल और ठीक है, ऐसे हम करके एस लगाएंगे और बाकी सबके पीछे जैसे वॉक एस लगाएंगे, ठीक है, ई एस और एस। अब इस चीज़ का ध्यान रखिए, ई एस हमें कहाँ लगाना है, एस हमें कहाँ लगाना है, ठीक है। और वर्ब हम क्या देख सकते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, जिस भी काम के पीछे ता आ रहा हो या ना आ रहा हो उसको हम कहते हैं वर्ब, जैसे पढ़ना या पढ़ता, एक ही बात है, कोई अलग अलग चीज नहीं है, पढ़ना या पढ़ता एक ही बात है। तो आप इसको चीज़ को ध्यान रखें कि पढ़ना और पढ़ते में कहीं यू कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा है, मैं तो पढ़ रहा हूँ, मैं तो पढ़ता हूँ, अब क्या करना है, तो आप चीज़ को ध्यान रखें, ठीक है। ठीक है, और मैंने आपको एस या ई एस बता दिया, अब मैं बताती हूँ आई यू वी दे या प्रूलर के साथ हम क्या लगाएंगे, कुछ नहीं लगाना है हमें इनके साथ, ठीक है। ही शीट नेम के साथ हमें एस या ई एस लगाना है, ई एस का लगाना है वो मैंने आपको बताया है, अब एस का लगाना है वो भी मैंने आपको बताया, तो सब अच्छे से सुन ले। और आई यू वी दे के साथ कुछ नहीं लगाना, ये एकदम जैसे सेम जैसे है ये वैसे ही प्लेस होंगे, ओके। अब मैं आपको इसके अंदर बताती हूँ, जो हमारा ये प्रेजेंट टेंस होता है, एक तो ये यूज होता है रूटीन के लिए, ठीक है, रूटीन, फैक्ट, ट्रुथ, ये ध्यान रखो कि हम हर कहीं प्रेजेंट टेंस यूज नहीं करते, हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। अगर हम किसी को अपना रूटीन बता रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल रूटीन बता रहे हैं, मैं सुबह उठता हूँ, आई वॉक अ अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, मैं उसके बाद मैं खाता हूँ, आफ्टर दैन आई ईट, ठीक है। आप ये ध्यान रखो, मैं बोल रही हूँ, आप मैं होता हूँ आई गेट अप, ठीक है, आप I eat breakfast, ठीक है, and I bathe, ये ध्यान रखो आप, ठीक है, रूटीन बताता है, जो चीज डेली होती है वो रूटीन में आ जाती है, ठीक। जैसे कोई त्योहार है हमारा, अब इसके बाद हम बोलते हैं कोई फैक्ट, फैक्ट का मतलब होता है जिस चीज के लिए हम जिसको ठुकरा नहीं सकते, अच्छा, तारे आसमान में होते हैं, ये एक तो फैक्ट है, ठीक है। स्टार
इन द स्काई, कहाँ पे होते हैं तारे, आसमान में होते हैं, ठीक है। और कपड़ों में कपड़े धागे से बनते हैं, एक फैक्ट है, ठीक है, इसको भी हम करा सकते हैं। हमारे अंतरिक्ष में कई ग्रह होते हैं, ये भी बात सच्ची है, ठीक है। जो चीज़ फैक्ट है उसको नहीं हम बिल्कुल चेंज, उसके लिए हम इसको प्रेजेंट टेंस को यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे न्यूटन ने बताया था, जब न्यूटन का क्या फॉर्मूला है, न्यूटन ने क्या बताया था, एक शेप के बारे में बताया था, ठीक है। तो आप उस चीज़ को ध्यान रखें, ठीक है। फैक्ट के बारे में बात करते हैं, ट्रूथ, ये एक फैक्ट और ये दोनों सेम ही माने जाते हैं। जैसे ट्रूथ, जो कोई हम सच्चाई बता रहे हैं तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मेरे हाथों में लकीरें हैं, यस लकीरें हैं, ठीक है। लोगों के पास दो आंखें होती है, यस एवरीबॉडी हैज़ टू आइज, ठीक है। से ऐसे ट्रूथ चीज़ें और ऐसे फैक्ट जो हम किसी कोई नहीं बदल सकता, ठीक है। और ये रूटीन के लिए हमारा प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है, तो आप इसको ध्यान रखिए कि कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। रूटीन प्रेजेंट, रूटीन में हम यूज़ करते हैं, फैक्ट में यूज़ करते हैं, ट्रूथ में यूज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी से आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि प्रेजेंट टेंस का हम यूज़ कहाँ पर और कैसे करते हैं, ठीक। अब आपको क्या करना है, कल आपको अपना रूटीन लिख के लाना है। और अब आपको मैं थोड़ा सा आपको रूटीन बताती हूँ कैसे लिखते हैं, उसके बाद सॉरी ये डस्टर मुझे मिल ही रहा है, कहाँ गया है, सो दैट आई एम रफ ऑन माई हैंड, आई गेट अप इन द मॉर्निंग आफ्टर ईट ब्रेकफास्ट, शॉर्टकट में लिख रही हूँ, नेक्स्ट आई बेथ, नेक्स्ट आई चेंज माई क्लोथ, ठीक है। इस टाइप में लिखना है कि आई गेट अप इन द मॉर्निंग, आफ्टर देन आई ईट ब्रेकफास्ट, नेक्स्ट आई बेथ, नेक्स्ट आई चेंज माय क्लोथ्स, फर्दर आई गेट अप फॉर स्कूल, मोर देन आई गो टू इन द क्लासरूम, ठीक है। ऐसे हमें अपना ये लिखना है रूटीन, और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, मैंने कहीं भी एस या ई एस का यूज़ नहीं किया, क्योंकि आई यू वी के साथ कुछ भी हम इसका यूज़ नहीं करते। और क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म आएगी, आप इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है। अब मैंने टेंस आपको, ये प्रेजेंट टेंस अच्छे से आपको करवा दिया, आप इसकी रूटीन लिखो और अच्छे से इसको हैंड राइटिंग से करो, ठीक है। मैं आज आपको आज का टॉपिक देती हूँ और वर्ब करवाती हूँ, ठीक है। सो शैल वी स्टार्ट वर्ब, अब हम रोज तीन तीन वर्ब करेंगे, ठीक है, और रोज तीन तीन वर्ब के साथ हम वर्ब को सीखेंगे धीरे धीरे से, ठीक। फर्स्ट वर्ब, सेकंड वर्ब, फोर्थ वर्ब, थर्ड वर्ब, फोर्थ वर्ब। ईट का मतलब होता है खाना, ईट एट इटन ईटिंग। फोर्थ वर्ब में हम क्या करते हैं, हमेशा आई एन जी का यूज करते हैं, ठीक है। पहले नहीं होता था, लोगों ने बना दिया था, इसको हम एक बार फोर्थ में रख लेते हैं, ठीक। गो का मतलब जाना, वो वेंट गॉन गोइंग। अवॉक का मतलब उठना, अवॉक, ठीक है। ये आप इसको ध्यान रखिए, और आज का टॉपिक मिलेगा आपको
कल सबको अपना डेली रूटीन लिखना है, ठीक है? क्या लिखना है? डेली रूटीन, ठीक है? डेली रूटीन लिखना है जिसके अंदर आपको अपने बारे में लिखना है, तो आप आई का यूज करोगे, उसके अंदर एस या ई एस कहीं पे यूज नहीं करोगे, और सिंपल उसके अंदर सिर्फ क्या आएगा, आप आई आएगा और वो क्या काम करता है वो आएगा, ठीक है? इसके अंदर कोई फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, कोई थर्ड फॉर्म नहीं, कोई फोर्थ फॉर्म नहीं, ओके? सो गुड बाय, कल हम इसी टाइम पे आपको दोबारा मिलते हैं, ओके? बाय.